देश हित चैनल हॉक फीड को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, उत्तराखंड के भगवान बद्री विशाल मंदिर के समीप नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ तो मामले ने तूल पकड़ लिया और उत्तराखंड पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद इस मामले पर तनाव बढ़ने लगा। वहीं सबके बीच मौलाना का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। जी हाँ दोस्तों, मौलाना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला है और वो इस वीडियो में बद्रीनाथ धाम को मुस्लिम धर्म का पवित्र स्थल होने का दावा ठोकता नजर आ रहा है। दोस्तों, वीडियो पुराना है लेकिन इस बवाल के बीच इस वीडियो को जमकर शेयर किया गया है। देवबंदी मौलाना अब्दुल लतीफ इस वीडियो में साफ कहते सुने जा सकते हैं कि बद्री विशाल जहाँ स्थापित है, जो हिंदुओं का पवित्र धाम बद्रीनाथ है, वो हिंदुओं का नहीं बल्कि मुस्लिमों का पवित्र स्थल है। बात यह है कि बद्रीनाथ नहीं, वो बद्रुद्दीन शाह हैं। ये मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, ये मुसलमानों के इसको हवाले कर देना चाहिए इनको। वो बद्रीनाथ नहीं है, नाथ लगाया है इससे वो हिंदू हो गए क्या? वो बद्रुद्दीन शाह है। तारीख उठाकर देखें, इतिहास का पहले मुताला करें ये तंजीम, उसके बाद में आगे बकवास करें। वो मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, मुसलमानों को चाहिए, मैं वहां के चीफ मिनिस्टर से मैं ये मांग करता हूं कि ये मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, मुसलमानों के फौरन हवाले कर दिया जाए। मोदी जी हमारे इसमें आगे आए और हमारा उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर इन बकवासियों की बकवास को रोके, इनको लगाम दे, वरना मुसलमान मार्च करेंगे। हमारा धार्मिक स्थल है, हम उस पर जाकर कब्जा करें। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद से ही लोग यूपी पुलिस और उत्तराखंड सरकार से देवबंदी मौलाना अब्दुल लतीफ की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। वीडियो में मौलाना अब्दुल लतीफ कहता है कि असली बात तो ये है कि वो बद्रीनाथ नहीं बद्रुद्दीन शाह है, ये मुस्लिमों का धार्मिक स्थल है, इसलिए इसे मुस्लिमों के हवाले कर दिया जाना चाहिए, ये बद्रीनाथ नहीं है। वो वीडियो में सवाल करता है कि नाथ लगा देने से वो हिंदू हो गए क्या? वो बद्रुद्दीन शाह है। तारीख उठाकर देखिए, इतिहास का अध्ययन कीजिए, फिर बकवास कीजिए। वो इस वीडियो में कहता है कि मुस्लिमों को उनका धार्मिक स्थल वापस चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि अब इस मामले पर उत्तराखंड सरकार ने संज्ञान लिया है और सीएम पुष्कर सिंह धामी इस पूरे मामले में के सामने आने के बाद से एक्शन मोड में है। दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस ने देवबंदी मौलाना अब्दुल लतीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ऐसे में देवबंदी मौलाना अब्दुल लतीफ के ऊपर अब इस मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दोस्तों, हालांकि इस मामले में वीडियो वायरल होने के बाद मौलाना ने पहले से ही लोगों से माफी मांग ली थी, लेकिन उसकी मुसीबत अब कम होने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ मंदिर मुख्यतः भगवान विष्णु को समर्पित है। संतों द्वारा वर्णित भगवान विष्णु के पवित्र 108 धामों में से इसका नाम आता है। साथ ही ये जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक है। दोस्तों, इस मामले पर आपकी क्या राय है, ये बात हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।